हेलो हेलो यस हेलो मैम। हेलो, हेलो मैम। गुड गुड मॉर्निंग गर्ल। मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। आज एफपीटी के कोई स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है? एफपीटी का कोई स्टूडेंट है बेटा यहाँ ज्वाइन? नहीं मैम। ओके okay. जो दो टॉपिक बचे हमारे लास्ट, वो कंप्लीट करेंगे आज। मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए हैं एंटरप्रेन्योर के, मिले बेटा आपको ग्रुप में? यस मैम। ओके, ये वाला भी आज हमारा यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। बस दो टॉपिक हमको कवर करने हैं, और इसके भी नोट्स मैं आज तक भेज दूंगी अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है उसमें। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है बेटा? हेलो, नो मैम। ओके, नहीं दिख रही। एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, नो मैम। ओके, एक मिनट। नाउ इट्स विजिबल? यस कि हमने ये देखे थे, मेथड्स देखे थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ठीक है गर्ल्स, लास्ट टॉपिक हमारा ये है ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स।
the 6 techniques we have to cover. Okay, there are many techniques for the management of quality in the industries. It may vary according to the requirement in the companies. So we discuss some of the techniques which is very much privileged. Okay. तो पहला दिया है इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें कि TQM से निरोड किया जाता है. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी कुछ कर सकते हैं कि TQM का फुल फॉर्म क्या है. इज एंड द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिस वेरी टेक्निक्स टेक्निक्स फोकस इन इज गिवन ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर दैट द क्वालिटी रिमेंस मेंटेनड फ्रॉम द इंस्पेक्शंस. यहाँ पे इसने बताया है कि आप हर एक प्रोसेसिंग से जब प्रोडक्ट जाता है, जैसे पहले आपका सोप बन रहा है तो आप वहाँ पे सोप पर टेस्ट किया जाता है, फिर जब उसको कवरिंग हो रहा है तो कवरिंग का प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है, फिर जब कवर जो पॉलिथिन और लग रही है उसको पॉलिथिन का भी टेस्टिंग कर रहे हैं. तो हर एक प्रोसेस के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है करके. This technique is the widely used in the organizations because it is cost effective and also easy to implement. This technique is also a customer oriented technique because while implementing these techniques, customers' needs are given in the most priority. The birth of this technique is traced to Japan. ये जापान में traced हुए हैं. It also saves the resources of the company and also productivity is high. ठीक है, आपने बहुत सारे एक साथ में soap निकाले तो हर एक बार जब सोप बनती है तो हर एक बार सबको इंडिविजुअल वेट किया जाता है कि कौन से सोप में प्रॉपर वेट है या नहीं है. अगर किसी सोप में ओवर वेट है तो वो वहां पे भी फिर उसको कम करते हैं. मतलब हर एक प्रोसेस होने के बाद वो लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट को. दिस टेक्निक हैज प्रिविलेज्ड बेसिकली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एक्सेट्रा. ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ज्यादातर यूज किया जाता है. ठीक है, और इसका जो फाइंड आउट है इसको ट्रेस किया गया जापान में. तो आपको पूछ सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टेक्निक है कहाँ पे ट्रेस किया गया है, तो आपको जापान में किया गया है. बेटा ऑफ करो. सिक्स सिग्मा इज अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रीज लाइक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क. ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क में दोनों जा रहे हो? हाँ, तो भी जा सकते हैं. ये बहुत ओल्ड मेथड है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, मोस्टली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल. यहाँ पे पूछ सकते हैं बेटा कि सिग्मा सिक्स सिग्मा जो मेथड है वो कौन से इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है. ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन से इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है. दिस इज अ टेक्निक इन विच द फोकस इज वन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट बाय रिमूविंग और एलिमिनेटिंग द डिफेक्ट्स which are a hurdle in the quality. ठीक है, इसका मेन मोटिव यही है कि ये प्रोडक्ट को क्वालिटी इम्प्रूव बनाए रखे. और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मैकेनिकल फील्ड है तो आप जैसे कूलर बना रहे हो, कूलर का टीन प्रॉपर है या नहीं, कूलर का शेप प्रॉपर है या नहीं, अगर वहां पर फालतू जो एलिमिनेटिंग चीज, जो फालतू की चीज लगी है उसको कट डाउन करना है, उसका शेप प्रॉपर रखना है, अगर टीन की जो भी शीट्स आ रही है उस शीट्स को प्रॉपर शेप में करना है, तो ये हर एक चीज क्या करती है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और जो रिमेनिंग जो फालतू की चीजें है उसको हटाती है, एलिमिनेटिंग करती है. द सिग्मा बेसिकली इज अ ग्रीक नेम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस मेथड्स इज मैथमेटिक्स. ठीक है, तो इसको इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा बेसिकली कौन से नेम से अंडरस्टैंड किया स्टैंडर्ड किया गया है, तो ये ग्रीक नेम से किया गया है. टू अंडरस्टैंड द सिक्स सिग्मा वन शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा बेसिकली सिक्स सिग्मा बिकॉज इट्स बेसिक concept is based on that every engineer who work in the industries unit should aware of six sigma methods because why all the work is carried out with a particular techniques. ठीक है, six sigma एक engineers लोग ज्यादातर use करते हैं इसमें mechanical and electrical works में, जहाँ पे कि उनको पता है कि सारे जो products है इसके six sigma के under में ही qualified होके बनाया जाता है. Then top down and bottom up approach.
The top down and bottom approaches are very effective type of approaches. In this, the order are the order passed from top officials to lower level, and also informations is based from lower level to higher official. ठीक है, आपकी कंपनी ने, अब मैनेजमेंट ने ऊपर से आपको ऑर्डर आया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वो हायर पावर नीचे वाले पावर में आ रहा है, नीचे जो वो एम्प्लॉयज उन तक पहुंच रहा है. अगर एम्प्लॉयज को कुछ नीड है, कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रोडक्ट में कि ये प्लास्टिक की जगह हम आयरन की शीट यूज कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना है, तो आप क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल से जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पास कर रहे हैं, हायर ऑफिशियल लेवल तक. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द टॉप डाउन अप्रोच इन दिस टेक्निक्स, द हायर ऑफिशियल टेक अ रिपोर्ट फ्रॉम द लोअर ऑफिशियल्स अबाउट द वर्क एंड क्वालिटी मेजर्स. यहाँ पे क्या होता है, जो हायर क्वालिटी जो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो क्या करता है, जो लोअर जो उसके जो एम्प्लॉयज है उनसे डाटा कलेक्ट करता है कि अपना काम कैसे चल रहा है, क्या बन रहा है, और उस हिसाब से वो रिपोर्ट को तैयार करके रखता है. बट ऑन द अदर हैंड द टॉप बॉटम जो वो टॉप टू डाउन का यही टॉप टू डाउन का काम ये है कि जो सबसे ऊपर में बैठा है वो डाउन वाले से रिपोर्ट लेता है, उससे डाटा लेता है और रिपोर्ट तैयार करता है. बट बॉटम अप में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन शेयरिंग फ्रॉम लोअर हायरार्की टू द अपर हायरार्की अबाउट द वर्क डन एंड अबाउट द क्वालिटी पैरामीटर्स विच आर फॉलोड बाय द वर्कर्स. यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोअर जो नीचे से जो वर्कर्स है उससे वो मैनेजर सब लोअर एम्प्लॉय से सब मैनेजर फिर हेड, इनसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हुए लाते हैं. ठीक है, टॉप तो टॉप टू डाउन में क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट जो मालिक है डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात कर रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय से काम पूछ रहा है. ठीक है, बॉटम अप में क्या हो रहा है, वो हर एक स्टेप से पूछ रहा है, पहले एम्प्लॉय से सब हेड को बता रहा है, सब हेड फिर हेड को बता रहा है, फिर हेड जो कैप्टन है उसको बता रहा है, फिर कैप्टन जो मैनेजर उसको बता रहा है, और जो मालिक है फिर वो मैनेजर उस मालिक को बता रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हायरार्की के हिसाब से जा रहा है इन्फॉर्मेशन. द मेन एजेंडा ऑफ दिस अप्रोच इज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय कोऑपरेटिंग विद ईच लेवल सो दैट अ गुड प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड. यहाँ का इसका भी मेन एजेंडा यही है, मेन यही है कि उनका जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रहे और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके वो काम को कम्प्लीट करें, मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, हेड के साथ में उनका कॉपरेशन अच्छा हो. ठीक है, देन फोर्थ दिया है ISO, इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, आपको हर जगह पे ये SIO का आपको सिंबल देखने मिलता है. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं पेपर में कि फुल फॉर्म ऑफ ISO, अ बॉडी विच गिव्स द सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी टू द प्रोडक्ट्स. ये इसका काम ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट देता है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस के कैसे होते हैं, उसका FSSAI देता है, से लाइसेंस नंबर देता है उनको, उनको सारी चीजों से उनको टेस्ट करके मार्केट में सेल करने की परमिशन देता है. वैसे ही ISO भी वैसा ही काम करता है. ISO भी बताता है कि आपका कंपनी, आपका जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाइड किया गया है और लोगों के लिए वो ठीक है. इट इज बेस्ड इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड. Every establishment in the world, whether it is a company, an industry, or other firms, should have to take the certification of quality assurance from the ISO. ठीक है, चाहे वो industries की हो, चाहे वो companies की हो, चाहे वो world की हो, तो आपको ISO से certificate लेना जरूरी है आपके product के लिए, अगर आपको market में उसको sell करना है तो. This ISO certifications also works as an assurance to the customers that the product is genuine and the safe to consume. ठीक है, यह ISO क्या establish करता है कि आपने जो product आपने market में sell करने के लिए दिया है वो हर एक parameter पे सही है और customers इसको safely use कर सकते हैं, customers को इसका कोई harm नहीं होगा, customers को इससे कोई problem नहीं होगी, ये वो define, ये वो genuinely बताता है लोगों को. ठीक है, the ISO tag is there on every product. कि आपको हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा. अभी आपका गर्ल्स एक होमवर्क है, आपको ISO मार्क पता करना है कौन से प्रोडक्ट में आपने देखा है. ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो मैम, आपको ISO मार्क देखना है कौन से प्रोडक्ट में आए. ठीक है,
ठीक है, निशा, दीक्षा, प्रेरिका, ISO मार्क ना मैम? यस दीक्षा, ISO मार्क आपको पता करना है कौन से प्रोडक्ट पे रहता है, जैसे FSSAI किस पे रहता है, फूड प्रोडक्ट पे रहता है, फूड एंड बेवरेजेस पे रहता है, वैसे ISO मार्क किस किस पे रहता है तो आपको पता करना है। तो समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके हमने अभी तक के चार देख लिए हैं टाइप्स, ठीक है। द आईएसओ टैग इज देयर ऑन एवरी प्रोडक्ट, देयर आर अ वेरी हार्ड फॉर्मेलिटीज व्हिच आर टू बी फॉलोड टू गेट द स्टेटस ऑफ आईएसओ अप्रूव्ड। आईएसओ अप्रूव लेने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपके प्रोडक्ट को लेकर। So this tag, this ISO tag is also the sign of good quality and every industry is running to get this mark to make its product has a genuine product. ठीक है, हर एक इंडस्ट्रीज को ISO टैग लेना जरूरी है अगर उनके प्रोडक्ट को चलाना है मार्केट में। या ISO मार्क लोगों को इस चीज से बचाता है कि कोई प्रोडक्ट में अगर कोई है कोई हानि है या कोई कोई ऐसी चीज है जिससे कि लोगों को तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसमें कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होने की वजह से लोगों को हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, तो वो ISO वो सब सारी चीजों को टेस्ट करता है, अप्रूव करता है, विधान पालन होने के बाद ही उसको मार्केट में सेल करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो दीज आर द फोर, पहला हमने देखा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा, देन थर्ड टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, then fourth ISO देखा है, then sixth, fifth हम देखेंगे cost of quality, ठीक है। The cost of quality is the difference between the cost of production including manufacturing, ठीक है। तो the cost मतलब आप पैसा कितना आपने material लेकर आया, उस material से आपने कुछ बनाया, जैसे आपने bangles के लिए stone wool लेकर आए हो, ठीक है, bangles बनाया आपने, तो आपको उसमें लगा वो product बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, और उस खर्चा के ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को रेडी होने के बाद कितने प्राइस में उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो आपने लाया है 5 रुपए का चीजें और आपने अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप एकदम उसको 500 रुपीज में बेच रहे हो, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर आपने 5 का लाए हो तो मिनिमम ज्यादा से ज्यादा आप 50 या 60 या 100 तक के आप उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अगर उस इतना ही अच्छा क्वालिटी का बनेगा तो ठीक है। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपकी बैंगल्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। वैसे ही
वैसे ही डिफाइन करता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन का आपको बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड अदर एक्सपेंसेस, और बाकी सारे एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करके, एंड कॉस्ट इंक्रूड विदाउट एनी डिफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. द मेन आइडिया बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज टू मेक द प्रोडक्ट चीपर एंड डिफेक्ट फ्री. ठीक है, तो इसका मेन एजेंडा यही है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को जो चीपर सबसे ज्यादा से ज्यादा तरीके से अच्छा दिए और डिफेक्ट फ्री, मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, कोई भी खराबी ना हो उसमें. अगर आप हेडफोन सेल कर रहे हो, हेडफोन बना रहे हो, हेडफोन की इंडस्ट्री आपकी, तो आप सारे हेडफोन्स को चेक कर रहे होंगे. आप पूरे लॉट में हेडफोन्स बना रहे हो तो आप सारे हेडफोन्स को चेक कर रहे हो कि वो डिफेक्ट है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है. जो भी डिफेक्ट पीस है आप उसको फिर से कंपनी में भेज रहे हो कि इसको फिर से रिपेयर किया जाए. द मैनेजर बेसिकली फोकसेस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन and quality improvement so that there is a benefit of the customers as well as the company. अब यहाँ पे manager क्या कर रहा है, manager quality देख रहा है product की, और वो उस quality में अगर कोई खराब जिसको दिख रहा है product, तो वो क्या कर रहा है, वापस company में भेज रहा है. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करता है कि वो कम से कम प्राइस में लोगों को दे उस, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बन सके. ठीक है, द कॉस्ट टू क्वालिटी इज अ न्यू कंसेप्ट एंड रेयरली यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल बिकॉज अ स्किलफुल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक द चार्ट एंड अकाउंट्स, बट द एम एंड सी आर यूज्ड दिस मेथड्स अ लार्ज स्केल. ठीक है, तो आपको पता होगा गर्ल्स, कोई ब्रांडेड कंपनी का अगर आप हेडफोन लेते हो तो उसका प्राइस, और उसी का डुप्लीकेट वाला अगर हेडफोन अगर आप लेते हो तो उसका प्राइस, दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस रहता है. ठीक है, जस्ट बिकॉज उसको ब्रांड का नेम है, उसके पास सारे सर्टिफिकेशन है और ये अप्रूव्ड कंपनी है, इसलिए उसका प्रोडक्ट क्या है आपको महंगे प्राइस में मिल रहा है. लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको, अगर आप जो छोटे मोटे शॉप से अगर आपको हेडफोन ले रहे हो तो आपको 50-60 रुपीस में मिल जाता है वो, बट उसकी भी लाइफ जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है. ठीक है, तो डिपेंड करता है, इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं डुप्लीकेट माल भी बनाते हैं. आपने देखा होंगे ताजा या रेड लेबल जो चाय पत्ती होती है उसका भी आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है, उसकी प्राइस कितनी जो ओरिजिनल है उससे कम होती है. देन केजिन इज एन ओल्ड जापानीज टेक्निक. ये भी एक जापानीज टेक्निक से आपको याद रखना है कौन सी कहाँ की टेक्निक है, ये आपको पूछ सकते हैं. टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स प्राइमरीली focuses on the each and individual level of process and includes all types of workers. ठीक है, इसका भी main focus यही है कि वो हर एक individual का काम देखे, हर एक individual कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, अपना complete work कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका ये काम होता है. The agenda is to impact on each level which result in a mass improvement in the whole product. अब इसका major agenda ये है कि ये कंपनी, ये जो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसका, उसका उसका फाइनल रिजल्ट पे भी ध्यान दे, और उसका जो भी जब वो पूरे मार्केट में स्प्रेड हो रहा है तो मार्केट में स्प्रेड होते वक्त उसका फिर से एक बार क्रॉस चेक हो सके. द लोअर हायरार्की ऑफ एम्प्लॉइज इज फोकस्ड बिकॉज दे आर वन हु वर्क एट ग्राउंड जीरो एंड द टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड ईच टाइप ऑफ फैसिलिटी टू देम सो दैट दे वर्क with full enthusiasm and also the material which is used in the product is wisely selected so that there should not be the quality reduction. अब जो सबसे नीचे जो employees अगर काम कर रहे हैं तो जो manager है वो क्या करता है, जो company का जो manager है, top management है, जो top में जो head है वो क्या करता है, वो employees को सारी facility दे रहा है. ठीक है, उनको funding दे रहा है, उनको salary दे रहा है, उनको increment दे रहा है, अगर किसी ने target से ज्यादा काम करा है तो उनको increment दे रहा है, सब चीजें दे रहा है. जो मटेरियल बनाने के लिए, जो उनको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी मटेरियल उनको लग रहा है वो भी प्रोवाइड कर रहा है. उनको रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए जितना बीच में टाइम चाहिए, उनको नाश्ता खाना जो भी है वो कंपनी, वो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है. अगर बीच में उनका बर्थडे होता है या कुछ ऐसा जेन्युइन डेज रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंस, उस डे पे उनको छुट्टी दे रहे हैं या उनको सेलिब्रेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज का, टॉप मैनेजमेंट पूरे एम्प्लॉयज का पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं, और ये भी ध्यान में रखते हैं कि वो लोग खुश रहे. अगर वो लोग हैप्पी रहेंगे कंपनी में काम करते हुए तो वो लोग उतना ही ज्यादा एंथुसियाज्म, मतलब उतना ही अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगे कंपनी का काम करने के लिए. ठीक है, तो कंपनी का काम अच्छे से करने के लिए उनको 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 सारे बेसिक नीड्स को प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे ज्यादा उनको यही सिखाया जाता है कि आपको अपने क्वालिटी की, जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बरकरार रखना है, और कोई भी इसमें अगर मटेरियल कम है तो क्वालिटी रिडक्शन नहीं होना चाहिए, हर बार क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ही दिखना चाहिए.
कि आज आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है तो आपने वो मटेरियल छोड़ के ही सोप बना दिया, या मटेरियल छोड़ के ही आपने कुछ और, आपके पास अगर हेडफोन बनाने हैं तो आपके पास कोई और कलर के वायर्स नहीं है, आपने सारे ब्लैक कलर के बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों में भी वो सब चीजें भी रहना चाहिए, ठीक है। तो सारे मटेरियल्स वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो क्वालिटी है वो सब चीजें अच्छे से हो सके। तो दिस ऑल आर दी टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हमारे सिलेबस में है, इसके बाहर के भी और काफी सारे टेक्निक्स है क्वालिटी मैनेजमेंट के, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही दिए हैं, तीन केजेंस एंड सिक्स सिग्मा, ये आपको आगे मॉड्यूल 4 में आपको इन डिटेल में पढ़ने मिलेगा, ठीक है गर्ल्स। इतना समझ में आया? हेलो हेलो गर्ल, समझ में आया बेटा? हाँ मैम। एनी डाउट्स? एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट्स? नो मैम। आज आपको ये सेंड कर दूंगी पीडीएफ याला, गर्ल्स कोई क्वेश्चन है बेटा? मैंने आपको जो एंटरप्रेन्योर के भी नोट्स भेजे हैं वो भी एक बार स्क्रॉल कर लो, एक बार देख लो वो भी चेक करके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एग्जाम लूंगी, टेस्ट जो एंटरप्रेन्योर का भी है आपका, उसको आगे का टॉपिक कवर करेंगे, बट जो अभी अभी का जो क्लास होगा इसका, कल 11 बजे का जो क्लास होगा अपना टुमारो, तो अभी तक मैंने जो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो एक मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ाया है उसमें से आपको क्वेश्चन दूंगी मैं 2, और आपको एक घंटे में ही सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना पर्सनली, ठीक है बेटा। वॉइस आ रही है क्या मेरी सभी को? हाँ मैम। ठीक है, तो कल की क्लास में आपका टेस्ट रहेगा, ओके। आप लोग लेफ्ट हो सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।